नमस्ते मैम, हमारे कैफे में आपका स्वागत है। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी मैम? एक मिनट, क्या बोला तुमने? मैम आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? गवारो। मैम मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे से कोई गलती हुई है क्या? कॉल योर मैनेजर। मैनेजर? आई सेड कॉल योर मैनेजर। बट मैम हुआ क्या है? अभी किसके मुंह लग रही हूँ। मैनेजर, मैनेजर। जी मैडम, मैं मैनेजर हूँ, बताइए क्या हुआ? ये तुमने कैसे अनएजुकेटेड और वो क्या कहते हैं गवार स्टाफ रखे हुए तुमने? मैडम आप प्रॉब्लम बताएं, इसने कुछ बदतमीजी की है क्या? हिंदी में बात कर रहा था मुझसे, इससे बड़ी बदतमीजी क्या हो सकती है? हिंदी में? जी हाँ, क्या फायदा इतनी प्राइम लोकेशन पे अपना कैफे खोलने का जब आपके स्टाफ को यही नहीं पता कि अपने कस्टमर के साथ डील कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, तुम कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हो। इस तरह से कस्टमर को डील करोगे और ये है तुम्हारा एक्सपीरियंस? सर मैंने हिंदी में ही तो बात की है और मैं हमेशा से हिंदी ही बोलता आया हूँ। हम हिंदी बोले इंग्लिश क्या फर्क पड़ता है सर? भाषा तो सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम है और फिर हिंदी तो सर हमारी अपनी भाषा है, इसे बोलने में क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तुम्हें नहीं है लेकिन मैडम को तो दिक्कत है। अरे जब मैडम को हिंदी भाषा आती नहीं, बोल ही नहीं सकती वो हिंदी, तो तुम्हें ऑर्डर कैसे देंगी? सॉरी सर। और अगर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती है बोलनी, तो तुम्हारे साफ साफ भाषा में कह देना चाहिए था। अगर आपको हिंदी भाषा नहीं आती है तो आप किसी और रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ ना तो अभी का अभी तुम्हारा ये रेस्टोरेंट खरीद सकती हूँ। जी जी बिल्कुल मैडम, आप हमारे रेस्टोरेंट को भी खरीद सकती हैं, आप हम दोनों को भी खरीद सकती हैं। बहुत पैसे होंगे आपके पास, नौकर चाकर होंगे और आपकी डांट सुनने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन सॉरी मैम, हमें अपने रेस्टोरेंट में ऐसा कोई कस्टमर नहीं चाहिए जिसे खुद बोलने की तमीज तक ना हो। हो सकता है मैडम कि आपकी अपब्रिंगिंग इंग्लिश में हुई हो, लेकिन मेरी नहीं हुई, मेरे स्टाफ की नहीं हुई। हम हिंदी में ही पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं और अपनी मदर टंग को अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज बनाना कोई गलती नहीं है। देखिए मैडम, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान में एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और आप किसी एक भाषा को लेकर किसी को गवार कह रही? मुझे तो आप खुद गवार और इलिटरेट नजर आ रही। माफ कीजिएगा मैडम, हम आपको सर्व नहीं कर सकते। आप कहीं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जो आपको आपकी पसंदीदा लैंग्वेज में खाना परोस सके, समझिए? आप जा सकती हैं। और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और एक बात याद रखना, आगे से कभी भी इस तरह के कस्टमर्स को डील करने के लिए तुम्हें मुझे बुलाने या मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद उसको इसी तरह से डील कर सकते हो, समझे? बाहर का रास्ता दिखाना तुम्हारा काम है ऐसे कस्टमर। जी सर। चलो अब काम पे लग जाओ। थैंक यू सर।